क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ये क्या दे रहा हूं, क्वेश्चन में दे रहा हूं 2 kg, समझना वाला लॉजिकल सवाल है, 2 kg ऑफ ए एंड 3 kg ऑफ बी मिक्स टू फॉर्म, ये बताना तुम लोग आज क्लियरिटी कैसी है, मिक्स टू फॉर्म हेट्रोजीनियस, एचडी हेट्रोजीनियस पिछली क्लास से ज्यादा है कि नहीं बताओ तो सब बोलो। बढ़िया है उससे। मोस्टली सेम है पर थोड़ा अच्छा लग, नहीं अच्छा है भाई, अच्छा रहेगा, मोस्टली सेम नहीं अच्छा, अच्छा है, ठीक है अब मेगा पिक्सल का होता तो ठीक है हेट्रोजीनियस, हां हेट्रोजीनियस देखिए लाइट आ रहा होगा, चमक रहा होगा, ए एंड बी 3 kg बी मिक्स टू फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर अभी जो लिख रहे मिक्सचर मिक्सचर, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। चलिए भाई तो शुरू करते हैं, मुझे मुझे बताओ तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास चली थी क्या, संडे वाली एक्स्ट्रा क्लास चली थी कि नहीं चली थी, चलिए चलिए अब इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो जाए आप लोगों का, तब फिर मैं स्पीड बढ़ाऊ। 2.5 kg ऑफ मिक्सचर इज टेकन टेकन देन देन इट इट कंटेन्स इट कंटेन्स कंटेन्स 1 kg ऑफ ए एंड 1.5 kg ऑफ बी। दूसरा यस सर सही है, सही है सर, 2.5 kg मिक्सचर इज टेकन टेकन देन देन इट मे कंटेन, सर हेट्रोजीनियस लिखे कि होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस, दिख नहीं रहा क्या, अब नहीं होगा सर, पहला वाला नहीं होगा, दिख रहा है सर, दिख रहा है, क्लियर है एकदम, हेट्रोजीनियस लिखे हैं, हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस अभी गलत सर, करेक्ट है सर, तो करेक्ट है पहला वाला, तो सर पहला ना हल्ला मत करो तुम लोग, पहले अपने क्यों बोल रहा हो तुम लोग, सुनो हल्ला मत करो, बोलो मत, अभी कर लो बाद में बोलना, बताओ भाई क्या होगा, थर्ड वाला दूसरा और तीसरा, पहले मेरी बात सुनो, देखो हेट्रोजीनियस का मतलब समझो, मैं कह रहा हूँ कि ए लिया 2 kg और बी 3 kg, तो देखो तो मेरी बात समझो, हम एक मिक्सचर बना रहे हैं, हम एक मिक्सचर है उसमें हमारे पास ए है और बी है, ए है और बी है, ए एंड बी, मान लो ए को हम गोला गोला से दिखा देते हैं ऐसे, ये ए है और बी को ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ये मिक्सचर है भाई, समझ रहे हैं ऐसे, समझ रहे हैं, अब देखिए अगर हेट्रोजीनियस का मतलब हर जगह कंपोजिशन सेम रहेगा कि अलग अलग, बताइए ये सर्कल हर जगह सेम सेम है कि अलग अलग, क्योंकि यहाँ यहाँ सर्कल ज्यादा है यहाँ पे कम है, देखो तो यहाँ सर्कल ज्यादा है यहाँ कम है, देखो यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, देखो देखो यहाँ ज्यादा सर्कल है कम सर्कल, बोलो तो मतलब होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस, बोलो
हेटरोजीनियस हेटरोजीनियस ही ना होता है, अलग अलग रहे तो कहीं ज्यादा कहीं कम है, मतलब अनइक्वल। तो मैं कह रहा हूँ सुनो, मेरी बात सुनो, अभी ना समझ रहे हो बच्चा, देखो हेटरोजीनियस मतलब ए और बी अलग अलग, देखो डॉट डॉट गोला वाला ए है और एक्स बी। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे 5 kg में से आधा मिक्सचर मान लो मैंने निकाल दिया, जैसे आधा मिक्सचर मान लो ऊपर का मैंने निकाल लिया, तो गारंटी है कि उसमें ए आधा आएगा बी आधा आएगा। जैसे इसी मिक्सचर में से आधा निकाल देंगे तो ज्यादा नहीं सर, ये वाला कि बी वाला कोई भी बी वाला, बी वाला ज्यादा रहेगा, ए को डॉट गोला कोई भी सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक या पागल, इस फिगर बताओ, कोई भी कैसे हो सकता है, इस फिगर बताओ देखते, मान लो बनाया आधा निकाल, कौन ज्यादा निकलेगा? सर ए ज्यादा निकलेगा, बी ज्यादा रहेगा, ए ज्यादा निकलेगा। देखो ए ज्यादा निकलेगा ना, ए रिमूव्ड अगर मान लो इसी को हमने टेकन लिया है, टेकन तो ए ज्यादा नहीं निकला, क्लियरली दिख रहा था, ए बी को मिला और नीचे में बी ज्यादा कम है, ऊपर में ए ज्यादा है, तो गारंटी थोड़ा है कि जब भाई जब हेट्रोजीनियस है, बराबर नहीं है कहीं कहीं समझो, तो आधा निकाल लेंगे ऊपर का, आधा निकाल लेंगे, आधा ऊपर कैसे निकाल लिए, ए ज्यादा निकलेगा ना, तो पहला गलत हो गया, पहला गलत, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक कंटेंट से कह रहा हूँ बराबर रहेगा। देखो अगर 5 kg में 2 kg है और ये कितना है 3 kg है, तो मैं कह रहा हूँ 2.5 kg में 1 kg 1.5 kg गारंटी है जी बराबर बराबर रहेगा, बोलो नो सर, गारंटी नहीं है, नो सर पक्का। अब ध्यान दो, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि अगर 2.5 kg भी है तो ए वाला हमारा क्या हो जाए, 1.5 kg हो जाए और बी जो है 1 kg हो जाए, पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल, बोलो चांस है कि नहीं, पॉसिबल सर, मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल, बोलो पॉसिबल सर, पॉसिबल है, सही है ये। अब ध्यान दीजिए तीसरा में देखिए, हो सकता है जैसे बात समझिए, मान लीजिए कि 5 kg हम मिक्सचर लिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने 5 kg मिक्सचर लिया और आधा दूर होमोजीनियस रहे, आधा दूर क्या रहे होमोजीनियस और आधा दूर क्या रहे हेट्रोजीनियस, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तब भी ओवरऑल मिक्सचर को क्या बोलेंगे बताओ, हेट्रो कहेंगे, जैसे मुझे बात बताओ, जैसे मुझे एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमने लिया, मेरी बात सुनो, वाटर, मेरी बात अच्छे सुनना, वाटर प्लस सुगर और प्लस सैंड, वाटर प्लस सुगर प्लस सैंड, ये कैसा मिक्सचर बनेगा, होमोजीनियस कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, वाटर प्लस सुगर सॉल्यूशन बना देगा और सैंड मिलकर, तो मुझे बताओ ओवरऑल हेट्रो, लेकिन आपस में ये दोनों क्या रहेगा, आपस में ये दोनों क्या रहेगा बताओ, नहीं समझ रहा, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो देखो मैं यही कह रहा हूँ जी सर, तो मान लो हमने ए बी को मिला के मिक्सचर बनाया, आधा होमोजीनियस आधा हेट्रोजीनियस, तो ओवरऑल को क्या कहेंगे बोलो, तो पता चले, मेरी बात सुनो, तो पता चले हमने यही आधा निकाल लिया, जो ऊपर का आधा होमोजीनियस टाइप का था उसी को हमने निकाल लिया, तो चांस है कि 2.5 kg में दोनों आधा आधा रह सकता है, बोलो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, मेरी बात सुनो, अल्लाह मत करो, कोई बच्चा बार बार बोल रहा, म्यूट करो बच्चे, म्यूट करो, ये कंसेप्चुअल है, फिर से समझो, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आधा मान लो कि ऐसा है ना, मैं जैसे यही देखो, ये दो होमोजीनियस ओवरऑल हेट्रोजीनियस, तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो हमने मिक्सचर बनाया ए और बी का, आधा मतलब शुरू में रहे ना आधा दूर तक, आधा तक रहे होमोजीनियस आधा हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मतलब हर एक ही ए हर तरफ रहे सही, 0-0 मतलब पूरे में सिमिलर कंपोजिशन, और यहाँ पे ऐसा ना रहे, यहाँ पे ए ज्यादा ज्यादा रहे, यहाँ ज्यादा ज्यादा रहे, और इधर रह रहे करे, देखो ये सारा ए के आसपास रहे, इधर ना रहे, समझ रहे हो, तो आधा पार्ट होमोजीनियस आधा पार्ट हेट्रोजीनियस, तो ओवरऑल तो हम हेट्रोजीनियस कहेंगे, समझे कि नहीं समझे, बोलो यस, इसको नहीं समझ आ रहा है, समझ yes, तो क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है ये चीज,
बोलेंगे वेट परसेंट की तुम बात क्यों कर रहे हो, पहले वेट परसेंट वोसेंट की बात मत करो। नहीं सर रिलेटेड पूछो सर, इससे कैसे रिलेटेड है? मत सुनो तो मेरी बात, किसी बच्चे कोई बच्चा कह रहा था कि हमको नहीं समझ में आ रहा, इसके बाद सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। सर थर्ड वाला बताइए। हाँ तो थर्ड है तो बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले, पहला दूसरा आ गया कि नहीं आ गया बताओ, पहला दूसरा आ गया जी कि नहीं आ गया? पहला दूसरा आ गया सर, थर्ड बताइए। थर्ड तो आइए गया, तुम लोग जबरदस्ती नहीं जानना चाह रहे हो तो हम क्या करें? तुम लोग देखो इधर से, जानना चाह रहे हैं फिर से देखो, है ना, समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे हो मूर्ख। मान लो कि ए को हम दिखा रहे हैं सर्कल से और बी को दिखा रहे हैं क्रॉस से, समझे कि नहीं समझे मूर्खो? देखो होमोजीनियस टाइप का है जी, ऊपर वाला के नहीं है, देखो तो ऊपर वाला है होमोजीनियस टाइप का, यस सर ऊपर होमोजीनियस टाइप का, ऊपर वाला होमोजीनियस ये होमोजीनियस टाइप का है कि नहीं लगभग? देखो ये होमोजीनियस टाइप का है कि नहीं बताओ तो? ओवरऑल हेटेरोजीनियस हो जाएगा सर। कैसे सर? ये मारेंगे तो चल जाओगे बाहर। कैसे सर? कैसे सर? दिख रहा है तो एग्जाम्पल समझाएं अभी, वाटर सुगर और सैंड को ले। इससे कंपोजिशन में देखो यूनिफॉर्मिटी दिखेगा, जितना एक्स है उतना ओ भी है, जितना सर्कल है उतना क्रॉस यूनिफॉर्मिटी है। मतलब कह रहा है कैसे 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 पप्पा शरबत पिला के दिखाएं क्या? बनाया पिला तुमको तब समझ आएगा। देखो ना देखने में क्या लग रहा है बताओ, देखो बताओ देखने में नहीं लग रहा है यार, कैसा आंख लग रहा है, थोड़ी एक लग रहा है सर, एक जगह फिर पानी का स्वाद लग रहा है, एक जगह चीज का स्वाद है। अरे रैगिंग मत करो, हमारा बहाना बना बना के साफ साफ दिख रहा है, देखने में सेम टाइप का लग रहा है, होमोजीनियस फिर से समझो। अरे होमोजीनियस मतलब सेम सेम, तो देखो सब मिला है आपस में, मिक्स नहीं है, प्रॉपर मिक्सिंग है कि नहीं? देखो तो मिक्सिंग नहीं है, जेबी एबी मिक्सिंग है कि नहीं बताओ तो? बताओ मेरी बात सुनो, देखो इधर तुमको बी ज्यादा दिख रहा है, मतलब इक्वल नहीं है, मेरी बात सुनो मत बोलो, देखो इधर बी ज्यादा इधर है तो मतलब इक्वल नहीं है, तो देखने में क्या लग रहा है, हेटेरोजीनियस की होमोजीनियस नीचे वाला पार्ट? सर ऊपर वाला दोनों इक्वल है और नीचे एक ज्यादा है, तो सर हम लोग बोल सकते हैं सर कि दूसरा वाला ज्यादा हो जाएगा? तुम बोलो उल्टा पुल्टा, पहले देखो तो ज्यादा कम कहा है जी, सब ठीक तो है, देखो एक जैसा है तो हेट्रो है, नीचे वाला उल्टा मतलब एक कहीं ज्यादा है तो हेट्रो है, ऊपर एक जैसा तो होमो है। अब मान लेते हैं ओवरऑल मिक्सचर को क्या कहेंगे, ओवरऑल को क्या कहेंगे बताइए? देखो हेट्रो इसलिए कहते हैं कि हम ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल में कुछ दूर सेम कुछ दूर अलग तो हेट्रो हो गया। अब ध्यान दो, मान लो कि 2.5 kg ये रहे, मान लो टोटल 5 kg में 2.5 kg रहे और ये भी 2.5 kg रहे, दोनों 2.5 kg रहे और इसी है रेशियो में रहे, 2 kg A 3 kg B को मिलाएं, आधा दूर तक होमोजीनियस आधा दूर तक हेट्रोजीनियस, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बोलो बोलो। यस सर। जैसे बात को समझो, बात को समझो, जैसे मान लो पानी लिए सुगर लिए को खूब मिला दिया अच्छे से तो होमोजीनियस हो गया, खाली पानी में चीनी डाल के छोड़ दी हिला डुला नहीं तो हो जाएगा होमोजीनियस? पानी में देखो हो जाएगा अपने बहुत सर, बहुत टाइम के बाद होगा, बहुत टाइम, अरे बहुत टाइम नहीं भी हो सकता है, सोलिबिलिटी ज्यादा होगी तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं? वो आगे बताऊंगा, सिलेक्ट है तो देखिए इधर मैंने होमो लिखा, इधर मैंने हेट्रो लिखा, यार ये लोग कहाँ कहाँ से आ गए लोग, यार ब्लॉक करे क्या इन लोग को, यार कर रहे हो हेट्रो क्या, गजब गजब नहीं कर रहे हेट्रो क्या इतना समझ जा, वो हेट्रो लिखे हैं, दिमाग भगवान किस लिए दिए बताओ?
इतना दिमागे रहता तो बातें क्या होता फिर तो इतना दिमागे के रहता। अब देखो तुम लोग अभी अभी YouTube लाइव में कोई बच्चा ज्वाइन किया था क्या तुम लोगों ने? बोलो तो चलो है हल्ला मत करो। अब देखो फिर से मैं बता दूं एक मिनट अभी रिकॉर्डिंग शुरू किया, सुनो मेरी बात। अगर हमने जीरो डिग्री मेरी बात सुनो, चलो म्यूट करिए। अगर आइस हम जीरो डिग्री पे लेते हैं, अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं फेज चेंज का, आइस मैंने जीरो डिग्री पे लिया है और उसको हम वेपर बना रहे हैं 100 डिग्री पे, तो डायरेक्ट नहीं बनेगा आइस लिए तो डायरेक्ट वेपर नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको आइस को हीट देंगे तो मेल्ट करेंगे। आइस जीरो डिग्री से वाटर H2O लिक्विड जीरो डिग्री पे बनेगा, इसको मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग आइस जीरो पे लिए गर्म किए वाटर बने, और यहाँ पे नो चेंज इन टेम्परेचर। जब आइस गर्म होगा तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, आपको पता है। देखो जीरो जीरो डिग्री टेम्परेचर है भाई, देखो दोनों जगह जीरो डिग्री, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो। यहाँ जो हीट जाता है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ तो डाउट होना नहीं चाहिए। वाटर जीरो डिग्री पे गया, अब उसको तुम 100 डिग्री पे पहले गर्म करोगे हीटिंग। यहाँ देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जीरो डिग्री से 100 डिग्री पे पानी गर्म हो रहा है, यहाँ हीटिंग हो रही है, हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद वेपर कैसे बनेगा? अरे अभी हमारा क्लास है, सुनो भैया, करेंगे तो ध्यान दीजिए। एक बार पानी, हाँ एक बार जब 100 पे पानी गर्म हो गया तब वेपर बन जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, जल्दी चलिए, बॉइलिंग करेंगे, अब बॉइलिंग हो जाएगा। ये वेपर बना दीजिए, बॉइलिंग हो गए, ठीक। अब ध्यान दो, ये बॉइलिंग हो गई, ठीक। अब देखो, अब सबसे पहले हम ग्राफ खींच रहे हैं टेम्परेचर और क्यू का, पहला टेम्परेचर टाइम का आता है, दूसरा टेम्परेचर और क्यू का आता है। क्यू और हीट का भी आता है, क्यू और टाइम का तो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट बता देंगे। पहले टेम्परेचर और टाइम की बात करते हैं, टेम्परेचर और टाइम अभी बाद में बात करेंगे, पहले टेम्परेचर और हीट का ग्राफ खींच रहे हैं। टेम्परेचर और हीट, और टेम्परेचर को मैंने सेंटीग्रेड में लिया है, सेंटीग्रेड में लिया है, सेंटीग्रेड में। तो ध्यान दीजिए, yes, शुरू में आपका टेम्परेचर जीरो डिग्री है, ध्यान दीजिए जीरो डिग्री। yes, हीट दे रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट आप दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, मेल्टिंग हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेटेंट हीट में चला गया। उसके बाद मेल्टिंग के बाद हीटिंग होगा, यस सर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जाएगा, बस हीट बढ़ेगा यहाँ पे, हीटिंग में तो बढ़ेगा, हीटिंग में बढ़ेगा, यस सर, हीटिंग में बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा बोलो मत, नहीं सुनो सबको, तो यहाँ पे हीट नहीं बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हीट तो करेगा, हम गर्म करेंगे बॉइलिंग के लिए हीट देंगे, तो हीट इधर बढ़ेगा। ये ग्राफ हुआ, हाँ सर, सर जो सर ऊपर आ रहा सर लाइन है सर, वो और ज्यादा लंबा होना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा हीट लगेगा वेपराइजेशन। चलो लंबा छोटा नेचर से मतलब है, नेचर से मतलब है बस, समझ गए, नेचर से मतलब है बस, समझ गए। ये फेस होगा लंबा करते रहो, बना लो सब लोग, पहले बनाओ इसको, सब लोग इसको बनाओ, बनाओ सर, रिज्वाइन करना है? नहीं, रिज्वाइन नहीं करना, मत करिए ये, सब लोग म्यूट करो, तो यार म्यूट करो सब लोग। अब चलो आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। देखो सर रूम चाहिए, हेलो सर, हेलो पानी ले आओ सर, आगे यार मुझे बताओ तुम लोग यार म्यूट क्यों नहीं करते हो? म्यूट करो सब लोग, सर आप ही म्यूट कर दो, म्यूट करो सर, आयुष्मान के माइक से आ रही है सर, अब म्यूट करिए सब लोग अपने आप को, यही सब करते हैं तो दिक्कत होती है ना फिर, मतलब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो सबको म्यूट करिए, तो ये करिए तो वो करिए, शायद सब अपना जान के घर का बात सुनाना चाहते हैं। आ रहा हूँ तो जानते हो, देखो पिछली बार का 9th का बैच बहुत अच्छा था, इतना अच्छा बैच है ना कि देखना तुम रिजल्ट देखना 2 साल के बाद। अब तुम लोग का बैच इतने नालायक है, बैच बड़ा जल्दी पहचानता हूँ, समझ रहा हो,
कुछ बच्चे दो चार बैच वाले जानते हो अगर खराब होता तो पूरा बैच की स्थिति खराब होती है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिस बैच में अच्छे करता ना पूरा बैच ही अच्छा करता है, समझ रहे हैं, और जो खराब करता पूरा बैच ही खराब हो जाता है। इस बार का टेंथ का बैच गजब का, देखिए कोई बच्चा अब देख क्लास का भी ज्वाइन करना कोई बोलता नहीं है, बोलता हूँ चुप तो सब चुप रहते हैं, अब तुम लोग खाली हल्ला करते, थोड़ा ध्यान दो मेंटेन करो। एक बार में एक लोग नहीं बोलते हैं। हाँ मैं कहता हूँ चुप रहो तब भी बोलते हो, सब कूद चुप रहो सब लोग, ध्यान दो। अगला मैं बता रहा हूँ फिर अपने से खींचना। अब देखो टेम्परेचर टाइम में कैसे होगा, ध्यान शुरू में क्या होगा, आप टाइम देंगे भाई भाई शुरू में आपके आपका टाइम लगेगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप घर हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, मेंटेन है, तो ऐसा थोड़े कि तुरंत हीट चला जाएगा, टाइम लगेगा ना कुछ। आप बाइस लिए उसको गर्म कर रहे हैं दो चार मिनट तक, यानी टाइम आपका बढ़ रहा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ऐसा ही ग्राफ बाद में ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका टाइम लगेगा गर्म होने में तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, और बाद में फिर ऐसा ही ग्राफ बॉइलिंग होगा पानी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा, धीरे धीरे टाइम के साथ बॉइलिंग हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? टाइप का ग्राफ बने, सेम टाइप, समझ गए? अब चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, बता तो दिए कई बार बताएं, अब देखो घबराओ मत, अगला क्वेश्चन करो फिर आएगा बॉइलिंग के ऊपर, ये क्वेश्चन सब लोग करो, ऊपर क्यों जाएगा टेम्परेचर थोड़ी बढ़ता, अगला करो आ जाएगा, समझ गए? देखो आइस हमने लिया बॉइलिंग 100 से ज्यादा नहीं होता, 100 तक ही हमें जाना था, जब जब पूरी बॉइलिंग हो जाएगी तब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जब तक पूरा बॉइलिंग होगा तब तक नहीं बढ़ेगा। तुम सोच रहे हो कि पानी की बॉइलिंग शुरू हो गई तो टेम्परेचर फिक्स 100 का फिक्स रहेगा, चलो जब तक बॉइलिंग नहीं हुआ, ध्यान दो बन गया। आइस -10 पे है, इसको वेपर बनाना है, वेपर 110 डिग्री पे बन गया। चलो सब तुम पहले हल्ला करो जी, सब लोग ग्राफ खींचो टेम्परेचर और क्यू का। सर पहले थोड़ा राइज करेगा फिर उसके बाद नीचे लाइन पर आ जाएगा, फिर थोड़ा 100 तक राइज करेगा फिर और राइज करेगा। दो बार टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और तीन बार राइज करेगा। टेम्परेचर टाइम का, टेम्परेचर और हीट का, टेम्परेचर और हीट का ग्राफ बनाइए सब लोग, बनाइए सब लोग, देखिए ध्यान दीजिए, पहले स्टेप समझिए नहीं तो आएगा नहीं, पहले स्टेप समझिए। सबसे पहले आइस 0 डिग्री से कहाँ जाएगा बताइए, स्टेप पहले हमको लिख दीजिए, डायरेक्ट काम नहीं होगा, पहले आइस 0 डिग्री से कहाँ जाएगा बताइए, -10 से 0 जाएगा, -10 से 0, आइस -10 से पहले इसकी हीटिंग होगी, सबसे पहले हीटिंग, आइस गर्म होगा पहले इसकी हीटिंग होगी और आइस 0 डिग्री पे जाएगा, पहले आइस को आप गर्म करोगे, समझ रहे हो, आइस -10 से लिए उसको गर्म करके 0 पे लाओगे, आइस देखो आइस लिखे हैं, फिर आइस की मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग का मतलब आइस जानते हो कि इसमें चेंज हो जाएगा वाटर में, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा 0 डिग्री पे ही, 0 डिग्री पे वाटर बन जाएगा, समझे बोलो, फिर वाटर की हीटिंग होगी, फिर वाटर की अगर हीटिंग होगी, वाटर को गर्म करोगे जानते हो कहां तक, 100 डिग्री तक, 100 डिग्री, वाटर 100 डिग्री पे जाएगा 100 डिग्री पर, फिर जानते हो क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग होगा, फिर वाटर का बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग होगा, देखो बॉइलिंग लिख रहा है ध्यान देना, फिर पानी क्या होगा बॉइल करेगा, बॉइलिंग के बाद वेपर बनेगा, कितने में वेपर बनेगा बताओ, 100 डिग्री पे वेपर बन गया, फिर वेपर की क्या होगी, फिर वेपर की क्या होगी बताओ, हीटिंग, हीटिंग 110 डिग्री तक। स्टेप समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ गए। समझ गए सर स्टेप। आइस मेरी बात सुनो सब लोग, -10 पे लिए उसको गर्म करके 0 तक ले आए, फिर उसको मेल्ट करा के पानी बना दिए, फिर पानी को गर्म किए 100 डिग्री पे, फिर पानी को बॉइल किए, फिर वेपर को गर्म किया, ऐसे ऐसे होता है। अभिनव समझ में आ रहा है आपको? अभिनव यस सर अच्छे सर। ध्यान दीजिए सब लोग, देखिए पहले आइस हम -10 पे लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो आइस 0 पे बनेगा, फिर आइस को क्या करेंगे, आइस से पानी बनाएंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आइस हो जाएगा, फिर पानी को गर्म करेंगे, फिर पानी को वेपर बनाएंगे, फिर तब वेपर को गर्म करेंगे, ऐसे ऐसे होता है। तो चलो बताओ ग्राफ कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से माइनस शुरू करें, माइनस से, माइनस मतलब नीचे,
नीचे से शुरू होगा, नीचे देखो ये जीरो है, ऊपर होता है पॉजिटिव जीरो। सर ये सर यहाँ से लेकर एक पॉइंट पर आएगा सर जीरो तक। सर ओरिजिन को ही माइनस टेन ले लें और उसके ऊपर से जीरो को यस सर माइनस। अरे ओरिजिन जीरो ही होता है, ओरिजिन माइनस नहीं सकता, ओरिजिन जीरो होता है। ओरिजिन जीरो होता है नीचे। अरे जीरो और जीरो के नीचे ही माइनस टेन आएगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अपना दिमाग मत लगाओ बच्चा, ओरिजिन को जीरो वैसे भी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा तो अपने मन से थोड़े कहो ठीक है। देखो माइनस टेन से पहले आई हीटिंग हो रही है, हीटिंग मतलब वैसे दोनों बढ़ेंगे, हीटिंग मतलब दोनों बढ़ा, जिससे पूछेंगे बताएगा आपको पहले। रुको हरिओम, हरिओम मुझे बताओ, हरिओम तिरछे जाए कि ऊपर जाए कि इधर जाए, किधर जाए, ओरिजेंटल की वर्टिकल की तिरछी? हरिओम ओरिजेंटल वर्टिकल की तिरछी, ओरिजेंटल जाएंगे। ओरिजेंटल मतलब सिर्फ कौन बढ़ेगा बताइए, सिर्फ कौन बढ़ रहा है बताइए, हीट बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, बस समझ गए हो गया। अब बताओ आगे, अभिनव बताओ अभिनव, जीरो से हंड्रेड पे कैसे जाए, ओरिजेंटल जाए कि वर्टिकल जाए कि तिरछी जाए? तिरछी, 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 तिरछी। देखो हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हीट भी बढ़ रहा है, तो तिरछी गए, तिरछे गए, तिरछे, तिरछे। चलो अनिमेश शुक्ला बताओ, हॉरिजेंटल की वर्टिकल की तिरछी? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। देखो हंड्रेड डिग्री पे आ गए, हंड्रेड डिग्री पे आ गए, हॉरिजेंटल। ये 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 इसके बाद क्या करेंगे बताओ, फाइनली सीधा क्या करेंगे बताओ? तिरछी, थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर तिरछी डिग्री तक, तिरछी। अब चलो ये क्या है, हॉरिजेंटल क्या हो रहा था? नहीं नहीं ज्वाइन नहीं करना है, क्या है यहाँ मेल्टिंग हो रहा था, उसके ऊपर आने पे हीटिंग हो रहा था, फिर बॉइलिंग हो रहा था, फिर बॉइलिंग। और बाकी यहाँ किसकी हीटिंग है, किसकी हीटिंग है? वाटर, वाटर। और ये किसकी हीटिंग है, ये किसकी हीटिंग है? आइस की, आइस की, वेरी गुड। और ये किसकी हीटिंग है बताओ? वेपर, वेपर, वेपर की सर। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर ये भी वेपर को लगातार हीट देंगे तब क्या होगा? हाँ यस, क्या कह रहे हो? लगातार वेपर को अगर लगातार हीट दे तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसका फैन करेगा, तिरछी लाइन चला जाएगा, हाँ बढ़ती चली जाएगी, एक समय ऐसा टेम्परेचर आएगा जबकि वो आइडल।